हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे लीनियर मेथड की सबसे पहला मेथड, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर मेथड में सेकंड मेथड, यानी कि ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। सो कैसे हम लोग टेंजेंट से ऑफसेट्स लेकर के अलोंग द लेंथ ऑफ द लाइन पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। सो लेट अस सपोज, मैं कर्व को पहले बना लेता हूं ताकि चीजों को हम लोग समझ पाए। सो लेट अस सपोज, ये वो कर्व है जिसके लेंथ के अलोंग अपन को पॉइंट्स को लोकेट करना है। सो ये हो गया हम लोगों का, सो कर्व स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, T1 पॉइंट से, कर्व फिनिश हो रहा है T2 पॉइंट पर, ठीक है। नाउ सो ये हो गया ए पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बेक टेंजेंट हो जाएगा। बेक टेंजेंट को जब मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये निकल के आ जाएगा कुछ ऐसा। तो बेक टेंजेंट हो गया। नाउ जो T2 पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। सो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सो T2 पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया हम लोगों ने, ये टेंजेंट के यहां से पास हुआ और यहां पर हमें मिल गया फॉरवर्ड टेंजेंट, ठीक है। सो T2 से B तक हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा वो फॉरवर्ड टेंजेंट हो जाएगा। नाउ ये जो कर्व है, ये इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन है, मैंने ड्रॉ कर दिया। ये जो पॉइंट है, लेट अस सपोज इसको V कह देते हैं। जो कर्व है इसके सेंटर पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, लेट अस सपोज यहां की इसका सेंटर है, तो कर्व के सेंटर पॉइंट को लोकेट कर लिया। सो ये पॉइंट हो गया ओ। नाउ सो ये जो कर्व है इसकी लेंथ के अलोंग अपन को क्या करना है, पॉइंट्स को लोकेट करना है। सो लेट अस सपोज एक कोई पॉइंट मैं कंसिडर कर लेता हूं, लेट अस सपोज ये पॉइंट हो गया पी, पॉइंट हो गया पी, जिसकी ओ से जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी रेडियस यानी कि आर। जो पी पॉइंट है, क्या अपन डिस्कस कर रहे हैं, ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। सो ये टेंजेंट है हमारा, इस टेंजेंट से इस पॉइंट का ऑफसेट लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया इसका ऑफसेट, ठीक है। इस ऑफसेट को हम लोग कहते हैं लेट अस सपोज एक्स, तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, इस एक्स वैल्यू को डिटरमाइन करना है। और इसका ये जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा वाई, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं एफ और इस पॉइंट को नाम देते हैं लेट अस सपोज जी, क्लियर है। चल तो हमें डिटरमाइन करना है इस एक्स की वैल्यू, ठीक है। नाउ सो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट अस सपोज इस एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए देखिए। सो हमें डिटरमाइन करना है एक्स को, आप देखेंगे डायग्राम में ये जो x है ये किसके इक्वल निकल के आ रहा है, T1 f के बराबर। सो x हो जाएगा हमारा T1 f के बराबर। नाउ T1 f को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, लेट अस सपोज O से T1 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये रेडियस के बराबर हो जाएगी। नाउ सो हम लोग क्या कर सकते हैं T1 f को डिटरमाइन करने के लिए, O T1 माइनस का O f ये लिखा जा सकता है। सो T1 F को मैं लिख सकता हूं O T1 माइनस का O F, क्लियर है। नाउ O T1 देखिए, O से लेकर T1 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये कर्व की रेडियस के बराबर हो जाएगा, सेंटर से कर्व के टेंजेंट पॉइंट तक की डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा O T1 दैट इज रेडियस ऑफ कर्व के बराबर माइनस O F। तो मुझे O F को डिटरमाइन करना है। O F कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग, आप देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर। नाउ इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल है PFO। सो इन ट्राइंगल PFO हम पाइथागोरस लगाते हैं। अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल बन रहा है। नाउ सो इसमें देखिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, मुझे क्या डिटरमाइन करना है, ओ एफ को डिटरमाइन करना है। ओ एफ, ओ एफ कैसे निकल आ जाएगा, बाय पाइथागोरस, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट
ठीक है, स्क्वायर रूट ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस ऑफ, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। क्लियर है नाउ? सो एक्स क्या निकल के आ जा रहा है यहां पर, एक्स निकल के आ जा रहा है आर माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। नाउ क्या करते हैं, इस अंडर रूट से आर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आर स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, बाहर क्या आ जाएगा अंडर रूट के आर आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा वन माइनस वाई, वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा वाई डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। नाउ आप यहां पर देख रहे होंगे अंडर द रूट ऑफ वन माइनस आर बाय वाई बाय आर का स्क्वायर, ये वाला जो पोर्शन है ये सॉल्व हो जाएगा बाइनोमियल, ठीक है, एक्सपेंशन से। सो यहां पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, सो बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंशन। नाउ सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर। नाउ जब इसे मैं सॉल्व करूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से, ये हो जाएगा वन माइनस, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर, और प्लस यहां पर और भी y की हायर टर्म्स निकल के आ जाएगी जिसको मैं इग्नोर करके चल रहा हूं। ठीक है नाउ सो देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो r माइनस ऑफ क्या हो जाएगा अंदर r का मल्टीप्लाई, और यहां पर क्या निकल के आ जाएगा आप देखेंगे r से r कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर आर का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर। क्लियर है ना? तो आर से आर कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर, और हमारा जो एक्स है वो कितना निकल के आ जा रहा है वाई स्क्वायर बाय टू आर। ठीक है ना, सो यहाँ पर जो हमें ऑफसेट चाहिए था फ्रॉम द टेंजेंट वो हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया, कितना निकल के आया वाई स्क्वायर बाय टू आर, क्योंकि यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन से यहाँ पर और भी हायर टर्म्स निकल के आते हैं वाई के, और उनको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, इसलिए ये वाला जो रिजल्ट है ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। ठीक है, तो मैं लिख दिया ये जो रिजल्ट है अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। सो एक्स कितना निकल के आया वाई स्क्वायर बाय टू आर। नाउ हमारे कर्व के लिए जो वाई है ये तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, यानी कि हम लोग जैसे जैसे y की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमें x की वैल्यू मिलते जाएगी, यानी कि अपन को इस कर्व की लेंथ के अलोंग ये सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और कुछ इस तरीके से हम लोग इस कर्व को लोकेट कर सकते हैं। सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लीनियर मेथड में ऑफसेट फ्रॉम दी टेंजेंट। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे लीनियर मेथड की नेक्स्ट मेथड को। थैंक यू।